माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं, हजारों बल्कि लाखों अगर 47 से ले लें सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो, यह पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ something historical has happened. Is not ordinary day-to-day functioning of the bills and passes. So far, Salaam, Magoda, Bhajai, first deposit 10,000 crore with the bank. First deposit 10,000 crore with the bank. Shut up. You should not go on record. This allegation should not go on record. Both allegations should not go on record. Corrupt people have corrupted. Mr. Ramesh, please go to your seat. I strongly condemn the act of two or three members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया, जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने तुझे फुसियां उड़ा दी, इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। चलो माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो टीम लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला।
मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को इस चुनी का जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से किसी कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि यह गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे। संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थाई माना गया। क्यों अस्थाई माना गया? अस्थाई इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 35A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है, वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं, मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा। और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी।